हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि संक्षिप्त परिचय डॉक्टर हरि सिंह गौर। तो दोस्तों मेरे पीके पैनल का चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महादानी, करोड़ों की संपदा दान करने वाले डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, प्लस दोस्तों को शेयर कर दें इसी तरह वीडियो के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गंवाएंगे। तो दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म 26 नवंबर 1870, जन्म स्थान सनीचरी टोरी सागर मध्य प्रदेश, महाप्रयाण 25 दिसंबर 1949। और इनके परिवार के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका पिता का नाम था ठाकुर तखत सिंह गौर और माता का नाम श्रीमती लाडली बाई तथा पत्नी का नाम था श्रीमती ओलिविया। और इनके संतान की बात करें हम तो दोस्तों इनके संतान थे 4 पुत्रियां एवं 1 पुत्र मनोहर गौर। और दोस्तों हम बात करें कि इनकी शिक्षा की, तो इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1875 में 5 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रारंभ की। इनका जन्म कब है जबकि 1870, और इनका शिक्षा का प्रारंभ हुआ 1875 में। तो दोस्तों 1875 में शिक्षा प्रारंभ हुआ और 1877 में 7 वर्ष की आयु में हिंदी पाठशाला कटरा सागर में प्रवेश लिए, और 1880 में 10 वर्ष की आयु में जिला स्कूल सागर में प्रवेश लिया, और 1882 में मिडिल पास करके जबलपुर शासकीय हाई स्कूल में प्रवेश, 1885 में 15 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट में प्रवेश लिया, व 1889 में उच्च शिक्षा हेतु यूरोप प्रस्थान किए, मतलब 1889 में उन्हें यूरोप चला गया। और यूरोप जाके दोस्तों जो सागर का यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, तो वाइज हॉस्टल, वो पूरा कैम्ब्रिज हॉस्टल जैसे ही है जहाँ से डॉक्टर हरि सिंह गौर पढ़े हैं। तो दोस्तों इनकी उपाधि की बात करें हम तो डाउनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज से MA LLB दिल्ली विश्वविद्यालय में डीलिट की सम्मानित उपाधि तथा डरहन विश्वविद्यालय में DSM वेरिस्टर ऑफ द इंटर टेम्पल 17 नवंबर 1892 की वकालत का परवाना प्राप्त हुआ। और दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति तथा नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक और प्रथम कुलपति सागर विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिप्ट से सम्मानित उपाधि प्राप्त है। दोस्तों इनकी वकालत की बात करें तो 40 वर्षों से ऊपर अखिल भारतीय स्तर पर वकालत की इन्होंने, और कई समेकित मामलों में प्रीवी काउंसलिंग में काम किए। और दोस्तों इनकी बात करें हम लेखक की, तो इनकी कुछ लेखक पुस्तकें हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कई महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी हैं, और जिन्होंने लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और नंबर 2 है हिंदू कोड। और ये डॉक्टर हरि सिंह गौर का संक्षिप्त जीवन, इनकी लाइब्रेरी सागर में अनेकों बुक हैं, कई प्रकार से, कई मीडिया में, कई लैंग्वेज में हैं। तो दोस्तों आप इनकी मृत्यु की बात करें हम फिर से, तो इनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1949 को। दोस्तों और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आए
तो ठीक है, अगर कुछ जानकारी हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय गो